हमारा पतंग का बिजनेस है। ये हमारा तीसरी पीढ़ी है, लेकिन ये साल जैसे कोरोना वायरस फैल गया है, लेकिन जितना बिकना चाहिए उतना तो है नहीं, और डिमांड तो प्लास्टिक पतंग का है, लेकिन अभी कस्टमर के हिसाब से वो जो नायलॉन मांजा चल रहा है, लेकिन वो लोग मांग रहे हैं, लेकिन हम तो 3 साल हो गए हम बेचते नहीं है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हार्मफुल बहुत है, जैसे बर्ड्स को हो रहा है, और अभी बीच में एक ये भी हो गया है, किसी का गला कटता है, लेकिन कस्टमर तो मानते नहीं, वो ही डिमांड करते हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये बंद कर दीजिए, जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जो मोनोकाइट मांजा बिकता है, मोनोगोल्ड मांजा बिकता है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कंपनी ही बंद कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका इफेक्ट ना हो, और बच्चे भी यही डिमांड करें, छोटे से छोटा बच्चे नायलॉन मांजा ही डिमांड करता है अभी भी ना, जो ना कॉटन मांजा है वो तो हाथ में ही नहीं ले रहे हैं। हम आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी बेच रहा है, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्लीज़ वो स्टॉप कर दीजिए, दूसरों को भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, और बच्चे को भी, पेरेंट्स खास करके, मैं भी एक टीचर हूँ, और मैं बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स प्लीज़ आप अपने बच्चों को बोल लीजिए कि वो मांजा ना ले, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत लोगों के गला भी कट रहा है, और बर्ड्स को भी बहुत हार्मफुल हो रहा है। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ स्टॉप परचेसिंग नायलॉन मांजा। पक्षी तर बोलत नाही, पण माणसं पण म्हणजे त्यांच्यावर पण परिणाम होतोय। माझा व्यवसाय पतंगीचा आहे, आणि हा पतंगीचा व्यवसाय 80 वर्षापासून मी इथं रविवार पेठेत मी करतोय। आमची 7 पिढी झालेली आहे, आम्ही 1 पैसा 2 पैशांनी धंदा केले। पतंगी जे आहे प्लास्टिक, त्याला एवढं काय रिस्पॉन्स नसतं, जेवढं पेपरमध्ये मजा येते तेवढं प्लास्टिकमध्ये मजा येत नाही। पतंग उडवायचं म्हणजे कागदीच, आणि आता जे कोविड वगैरे चाललेलं आहे त्याच्याबद्दल भरपूर म्हणजे धंद्यामध्ये फरक पडलेला आहे। फक्त 2-3 दिवस आमचं म्हणजे इथं दुकानाचं तिथं गर्दी चालू आहे। जे चायना मांजा आहे ते आम्ही एकदम 10 वर्ष झाले ते विक्री करत नाही, आणि इथं आम्ही बोर्ड पण लावलेलं आहे का आम्ही चायना मांजा विकत नाही आणि कुणाला देत नाही। सगळं आवाहन करतो की हा मांजा तुम्ही विकू नका किंवा उडवू नका।